हार्दिक पांड्या के कारण संजय मांजरेकर ने वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद फैंस को बिहेव करने के लिए बोल दिया। ये घटना तब हुई जब हार्दिक पांड्या टॉस करने के लिए आए हुए थे और जो हजारों के भीड़ वानखेड़े स्टेडियम में बैठी थी वो रोहित शर्मा की फैन थी। उन्होंने हार्दिक पांड्या को बू करना शुरू कर दिया, मतलब चिढ़ाने लगे, ट्रोल करने लगे। इससे फ्रस्ट्रेटेड हो गए संजय मांजरेकर जो वहीं पर मौजूद थे, और मांजरेकर ने हजारों ऑडियंस की भीड़ को बोला बिहेव करने के लिए। अरे यार, एक बार मांजरेकर ये सोच ले कि उसी ऑडियंस की वजह से आज आईपीएल चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, फिर आप ऑडियंस को ये बात कैसे बोल सकते हैं बिहेव करने के लिए। अरे रोहित शर्मा एक इमोशन है फैंस का, उनके साथ गद्दारी करके हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस की कप्तानी उनसे छीन ली। लेकिन अब ऑडियंस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अपना गुस्सा जाहिर करने का, तो वो इस तरह से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं हार्दिक पांड्या से। वो काफी ज्यादा नाखुश हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। क्या संजय मांजरेकर ने एक बार भी समझाया हार्दिक पांड्या को कि आप क्यों गद्दारी कर रहे हैं रोहित शर्मा के साथ, जिन्होंने आपको बनाया, आपको तैयार किया? लेकिन नहीं, वो ऑडियंस, हजारों ऑडियंस की भीड़ से भिड़ गए। अरे यार, एक बार अपने गिरबान में झांक लेते संजय मांजरेकर कि हार्दिक पांड्या ने क्या किया है। अरे एक इमोशन है यार रोहित शर्मा, अगर रोहित शर्मा ने अपने मन से कप्तानी छोड़ी होती तो ऑडियंस को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो हार्दिक पांड्या ने छपरी वाली हरकत की ना, वही खल रही है ऑडियंस को, इसलिए वो इतने परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए वो हार्दिक पांड्या से गुस्सा निकाल रहे अपना। तो इसमें संजय मांजरेकर को कूदने की जरूरत नहीं थी, और ऑडियंस है यार, कुछ भी कर सकती है और उसका अधिकार है। कहाँ जाएंगे सबके चहेते रोहित शर्मा के साथ उन्होंने जो किया, इसके लिए तो ये बनता ही है। और जो आईपीएल है या कोई भी लीग हो दुनिया की, वो ऑडियंस की वजह से ही चलती है, आप ऑडियंस को बिहेव करने के लिए नहीं बोल सकते। जो मेन मुद्दा है, हार्दिक पांड्या को समझना चाहिए उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उतनी जो ऑडियंस है वो मूर्ख नहीं है कि आप उनको समझाने चले हैं। आपको समझाना है तो एक हार्दिक पांड्या को समझाते जो उन्होंने लालच छपरीपना के वजह से छीन लिया कप्तानी। अगर आज उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान होते और वो बोल देते कि अगले साल मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ, तो इस साल मुंबई इंडियंस की जो ऑडियंस थी उन्हें तहे दिल से विदाई करती, उनका अच्छा स्वागत करती, अच्छी तरह से उनका मतलब आवभगत करती, जिस वजह से रोहित शर्मा खुशी खुशी कप्तानी छोड़ते, क्योंकि उस बंदे ने 5 बार मुंबई इंडियंस को आईपीएल ट्रॉफी जितवाया है। और अभी तो देखिए हार्दिक पांड्या जब से कप्तान बने 3 लगातार हार झेलनी पड़ी है मुंबई इंडियंस को। वो गुजरात टाइटंस के कप्तान थे, उनके चलते मुंबई इंडियंस के 115 करोड़ रुपए खर्च हो गए, तब जाकर वो स्वैप हुए मुंबई इंडियंस की टीम में, और आके क्या कर रहे हैं भाई, हार झेलना पड़ रहा है मुंबई इंडियंस को। अरे यार, रोहित शर्मा कप्तान होता तो कुछ ना कुछ तो कंट्रोल करता। वो मुंबई इंडियंस की टीम जो किसी भी टीम को आसानी से हरा देती थी, आज इस साल आईपीएल 2024 में हाईएस्ट स्कोर पिटवा दिया 277 रनों का, और आईपीएल 2024 का सबसे लोएस्ट स्कोर भी बना दिया मुंबई इंडियंस ने, और ये तो छपरी हार्दिक पांड्या की कप्तानी में ही हो रहा है। इसलिए ऑडियंस परेशान है, इसलिए बू कर रही है। तो संजय मांजरेकर ये समझ ले कि आपको जो ज्ञान देना था, जो समझाना था, आपको हार्दिक पांड्या को ही पहले समझा लेना था। जब ये एक्शन लिया जा रहा था उस समय आप बिहेव वाला जो सीन था वो हार्दिक पांड्या के साथ शेयर किए होते तो आज ये घटना नहीं होती। रोहित शर्मा अपने मन से कप्तानी छोड़ते तो ऑडियंस भी खुश होती और किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती, अच्छे से सारा माहौल बना होता। लेकिन ये गद्दारी का फल तो गद्दारी में ही न जाता है। तो संजय मांजरेकर, आप अपनी बुद्धि को संभालिए। ऑडियंस जो कर रही है वो उसका प्रेम है रोहित शर्मा के प्रति, जो निकल रहा है गुस्से में हार्दिक पांड्या पर, तो आप इसमें बीच में इंटरप्ट ना करें। अगर आप इंटरप्ट करते हैं तो पता नहीं आपको ऑडियंस परेशान करने लगे, इसलिए दूसरे के मामले में टांग ना अड़ाएं। मेरी जो समझ थी मैंने बताई, और ऑडियंस आप इस पर क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर दें नीचे।